हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे राजा, जमीन और आसमान को बनाने वाले सारे सृष्टि के सृजनहार पिता, मेरे प्रभु जी, आज मैं एक बार फिर से शाम के बेलम प्रभु जी सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु तेरे पास में, तेरे निकट में, तेरी हुजूरी में लाता हूँ पिता। प्रभु जी आपके वचन में कहता है परमेश्वर पिता, हे बोझ से दबे कुचले लोगों, परिश्रम करने वाले मसीह और भाई और बहनों, मेरे पास आओ तो मैं तुमको विश्राम दूंगा, कहता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक सभी लोग जो है एक बार फिर से प्रभु के सम्मुख में, प्रभु के पास में बड़े समर्पण के साथ, विश्वास के साथ सभी मसीह भवन जो है अपने अपने कामों को छोड़कर, अपने अपने जो है मेरे प्रियो जो भी काम करते थे उसको छोड़कर आज आइए सब लोग प्रभु के पास में घुटनों के बल आ जाएं, प्रभु को पुकारें, प्रभु को ढूंढें। आज आपके शरीर के सारे थकान को दूर करेगा। अगर आप सुनते हैं इस वक्त प्रार्थना को, सुन रहे हैं, अगर आप इस प्रार्थना में शामिल हैं तो मेरे प्रियो इसी वक्त आज परमेश्वर यहोवा आपके शरीर में, और जहां भी आपके शरीर में दर्द है, आपके शरीर में थकान है, आपके शरीर में चिंता है, आपके शरीर में बोझ है, प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है, प्रभु यीशु मसीह आज आपको कह रहा है, हे मेरे बेटा और बेटी, सारे चिंता को मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ, कहता है परमेश्वर को वचन। हालेलुया। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज प्रभु जी मन के सारे शरीर के, और प्रभु जी और जितने प्रभु जी उनके जीवन में परमेश्वर पिता समस्या है, उनके शरीर में जो समस्या है पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज उनके जीवन से अंधकार की ताकत, अंधकार की गढ़ मसीह यीशु के सामर्थी नाम में निकल जाए, और शरीर के हर एक मन के और शरीर के थकान और मन के थकान दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु जी उनके शरीर को जब आज इस प्रार्थना को करते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, और प्रभु इस प्रार्थना में जितने लोग शामिल हुए हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह आज मैं प्रार्थना करता हूँ आज प्रभु उनके शरीर से सारे थकावट को दूर करना पिता। जो प्रभु जी अपने अपने ओ परिवार को लेकर चिंता करते थे, अपने परिवार को लेकर कई प्रकार के शरीर में जो उनके परिवार उनके शरीर में जो चिंता परेशानी, शरीर में थकान और कई प्रकार की बोझ और चिंता परेशानी, ऑपरेशन डिप्रेशन, कई प्रकार के जो है वो तमाम बीमारी उनके में उनको परेशान करके रखा है, मेरे प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करता हूँ आज उनको सपोर्ट करना, उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना, मेरे प्रभु जी आज छू लेना, ओ मेरे परमेश्वर पिता टच करना आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बदल दो प्रभु जी। उद्धार करता परमेश्वर जितने आज प्रभु तेरे पास में है, वो उनका मुंह कभी काला ना होने पाए प्रभु जी, वो कभी लज्जित ना होने पाए, वो कभी गिरने ना पाए, वो कभी भटकने ना पाए, वो कभी प्रभु जी तेरे पास से प्रभु जी खाली हाथ ना लौटने पाए। लेकिन प्रभु जी विश्वास के साथ आज प्रार्थना करता हूँ कि आज जितने प्रभु तेरे पास में बैठे हैं प्रभु जी आज प्रार्थना कर रहे हैं पिता, मेरे प्रभु जी आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और शरीर के थकान को दूर करना प्रभु जी पिता, तुरंत प्रभु आज यीशु मसीह के नाम से आराम देना पिता। हर एक जन प्रभु जी मेरे प्रिय मसीह आज बिल्कुल भी आप परमेश्वर के सम्मुख में जिस प्रकार मेरे प्रियो आप समर्पण के साथ किसी चीज को आप करते हैं, उसी प्रकार आज परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना को करें, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, लगन के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर यह आपको संभालेगा, परमेश्वर यह आपको उठाएगा, परमेश्वर यह आपके परि प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर यह तुरंत आपके शरीर के थकान को दूर करने वाला है इस मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। ओ राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, ओ परमेश्वर पिता प्रभु जी आज तेरे बेटे और बेटी प्रभु जी जो आज प्रभु तेरे से बात कर रहे हैं पिता, आज प्रभु जी मैं हुक्म देता हूँ कि उनके शरीर से थकान की आत्मा निकल न पाए प्रभु जी, मेरे प्रभु जी आज छू लो पिता, मेरे परमेश्वर पिता टच करो आज प्रभु जी उनके प्रभु जी मन को प्रभु जी शांति मिलने पाए पिता, उनके शरीर के सारे थकान दूर हो जाने पाए पिता। जो प्रभु जी आज ऑफिस में प्रभु कई प्रकार के काम धाम करके आते हैं, वो कई प्रकार की चिंता को लेकर आते हैं, कई प्रकार की टेंशन को लेकर आते हैं, नौकर का वो कई उनके जो है ऑफिस में कर्मचारियों का टेंशन, उनके खुद का टेंशन, कई प्रकार के कारोबार को करते हैं उनका टेंशन, बिजनेस का टेंशन, तो कहीं वो पैसा ढेला का टेंशन, कहीं किसी प्रकार के और कई प्रकार की चिंता, कई प्रकार के परेशानी, इसके चलते उनके शरीर में बहुत थकान रहता है मेरे प्रभु जी। आज पिता यीशु मसीह के सारे थकान प्रभु जी खत्म हो जाने पाए, और सारे चिंता और सारे परेशानी और सारे शरीर में जो थकान लाने वाली गंदी आत्मा निकल जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, मैं हुक्म देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता दया करो दया करो दया करो, राजाओं के राजा ओ प्रभुओं के प्रभु, सारी सृष्टि के मालिक, सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता मेरे स्वामी, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने मसीह
भवन तेरे पास में प्रभु जी, ओ तेरे निकट में पिता, तेरे हुजूरी में पिता यीशु मसीह। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज हर एक जन के प्रभु जी साथ बोलना और बातचीत करना पिता, हर एक जन के समस्याओं को निकालना प्रभु जी, हर एक जन के समस्या निकलने पाए, अंधकार की ताकत दूर हो जाने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में कहता है पिता सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित कर दो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। अगर आप परमेश्वर के पास में बैठकर, परमेश्वर के निकट में बैठकर उसकी ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, उसकी ओर मनों को लगाते हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता आज आपके परिवार से, आपके खुद के जीवन से, आपके खुद के शरीर से, इसी वक्त शरीर की थकान को परमेश्वर वह दूर करेगा, और आज की रात्रि मेरे प्रियो आपको मेरे प्रियो परमेश्वर वह संभाल कर नया जीवन देगा, आपके बच्चों को संभाल लेगा, आपकी पत्नी को, आपके माता पिताओं को, आपके मेरे प्रियो जो भी सुन रहा है, बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी प्रार्थना को सुन रहा है मेरे प्रिय मसीह, सबको आज प्रभु जी उनकी थकान यीशु मसीह के नाम से दूर करना पिता। वो सब लोग टेंशन में रहते हैं, सब लोग प्रभु जी गुस्सा क्रोध वो प्रभु जी कई प्रकार के टेंशन में रहते हैं पिता, लेकिन प्रभु जी सारे प्रभु जी गुस्सा क्रोध टेंशन करवाने वाली गंदी आत्मा मेरे प्रभु जी आज उनके शरीर से, उनके देह से निकलकर चली जाए, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, यीशु मसीह के नाम से टच करो प्रभु जी। हालेलुया, उद्धारकर्ता परमेश्वर आज जीवित परमेश्वर बदल दो प्रभु जी, आज जीवित परमेश्वर पिता छू लो प्रभु जी, आज जीवित परमेश्वर पिता हर एक जन की समस्याओं को निकालो परमेश्वर पिता, हर एक जन की परेशानियों को दूर करो प्रभु जी, हर एक जन पिता तेरे डर और भय में चलने पाए, आज ज्योति में चमकने पाए। विश्वास करता हूं जितने तेरे बेटे और बेटी पिता सब प्रभु जी आज पिता हर एक समस्याओं से, हर एक परेशानियों से, हर एक मुसीबतों से निकल कर प्रभु जी वो तेरी ज्योति में चलने वाले हो जाए पिता। प्रभु जी आपका धन्यवाद देता हूं, ओ धन्यवाद 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 एक बार फिर से मेरे प्रिय मसीह भवन। अगर आप मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के पास में बैठे हैं और आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना आपके लिए उन्नति का कारण होगा, ये प्रार्थना आपके लिए आशीष का कारण होगा, ये प्रार्थना आपके जीवन के बढ़ोतरी के लिए होगा, ये प्रार्थना आपके परिवार के लिए होगा, ये प्रार्थना आपके घर के लिए और आपके खुद के जीवन के लिए होगा। हालेलुया, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, तारीफ हो तारीफ हो मेरे परमेश्वर पिता। ओ जितने आज प्रभु तेरे पास में बैठे हैं वो कभी लज्जित न होने पाए पिता। हालेलुया, विश्वास कर तो तू और तेरा घरान उद्धार पाए कहता है परमेश्वर वचन। हाँ मेरे प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करता हूँ जितने तेरे बेटे और बेटी आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन से हर एक शरीर की थकान दूर हो जाने पाए पिता। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु मसीह छू लो पिता, एक एक जन के प्रभु शरीर को आज छू कर टच करना, इन द नेम ऑफ जीसस सी द पावर, आज यीशु मसीह के नाम से टच करो, ओ टच करो, यस 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 यस। ओ मेरे प्रभु जी इसी वक्त जहां भी से प्रार्थना को सुन रहे हैं, जैसे भी सुन रहे हैं, ओ जिस भी जगह से सुन रहे हैं पिता, ओ मेरे प्रभु जी आज छू कर टच करना, आज परिस्थिति को बदल देना, आज मेरे प्रभु जी उसी जगह में तेरे अद्भुत चंगाई, तेरे अद्भुत सामर्थ्य ओ उतरने पाए और प्रभु जी हर एक जन रिसीव करने पाए। प्रभु जी आज हर एक जन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रभु जी भरकर वो अद्भुत चंगाई को पाने पाए, अद्भुत तेरे सामर्थ्य को पाने पाए पिता, अद्भुत प्रभु जी तेरे डर और भय में चलने वाले हो जाए पिता। हालेलुया हालेलुया, यस 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 यस, पवित्र 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 पवित्र, रक्तम जम यीशु के लहू की जय। धन्यवाद पिता, ओ मेरे जीवन में खुद परमेश्वर पिता जो थकान है पिता उसको दूर करना पिता, हमारे परिवार के पूरे परिवार के एक एक सदस्यों के जीवन से पिता शरीर के हर एक थकान निकलने पाए, और जितने प्रभु तेरे पास आज बैठकर प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज यहाँ पर प्रार्थना मीटिंग में जितने बैठे हैं सबके प्रभु जी उस शरीर के थकान को दूर करना पिता। हालेलुया, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु के लहू की जय। ओ मेरे परमेश्वर पिता आपके नाम में सामर्थ्य, आपके नाम में चंगाई और छुटकारा है, आपके वचन में कहता है प्रभु जी ना तुम प्रधानों पर भरोसा करना ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। हालेलुया, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी, इसलिए आपको भरोसा करना है सिर्फ जीवित परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर पर आपको भरोसा रखना है, वो जीवित परमेश्वर पर आपको विश्वास करना है, तो वो परमेश्वर सचमुच में आपकी परिस्थिति को, आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपके कष्टों को दूर करेगा, आपके समस्याओं को निकालेगा, आपके परेशानियों को दूर करेगा, और आपके शरीर के जितने भी थकान है, आपके नस 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 पेशियों में, आपके मेरे प्रिय हाथ में, आपके पैर में, आपके शरीर में, आपके पेट में, आपके कमर में, हड्डियों में दर्द, हर एक अंग अंग में दर्द हो रहा है आपका जो है वो थकान है, आपके शरीर में बहुत चिंता है, परेशानी है, अगर आप मेरे प्रिय उस परेशानी से निकलना चाहते हैं, अगर आप उस समस्याओं से निकलना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय आज इसी वक्त परमेश्वर को धन्यवाद करो, परमेश्वर तुरंत आपको जो है उस बंधन से और जो शरीर के थकान से आपको निकाल कर आपको नया जीवन देगा। हालेलुया,
यीशु के लहू की जय। मेरे प्रभु धन्यवाद यीशु, मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, रक्तम जयम रक्तम जयम। आपके वचन में कहता है पिता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्यों कहता है परमेश्वर का वचन। हाँ मेरे प्रिय मसीह, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अगर आपके जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, आपको डरने का नहीं है। परमेश्वर आपको सपोर्ट करेगा, परमेश्वर यह आपकी सहायता और मदद करेगा, और आपके हर एक जो है शरीर के जितने भी थकान है उसको दूर करेगा परमेश्वर यहोवा, और आपको जो है नया नया मेरे प्रियो मार्ग खोलेगा, आपके लिए नए नए रास्ता खोलेगा। अगर आप उसके डर और भय में चलते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर जीवन को जीते हैं, तो जीवित परमेश्वर सचमुच में आपकी सहायता और मदद करता है, सचमुच में आपकी परेशानियों को दूर करता है वो परमेश्वर। हालेलुया, वो परमेश्वर आपके मेरे प्रियो चिंता करता है, वो परमेश्वर आपके मेरे प्रियो रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, और आपकी परेशानियों को दूर करता है। आज जितने मसीह भवन इस प्रार्थना को सुने हैं, सबके प्रभु जी रक्षा और सुरक्षा करना, और आज के शाम के वेला में मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु जी, जितने आज प्रभु जी काम धाम करके आए थे पिता, उनके सारे शरीर के प्रभु जी थकान को, वो मन की थकान को आपने दूर किया प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ। अगर मेरे प्रिय मसीह भवन, अगर आपको थोड़ा सा भी परमेश्वर की ओर से आराम मिला है, तो अपने हाथ में उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। आप मेरे प्रियो किसी को एक दूसरे को मत देखो। अगर आप मेरे प्रियो गाड़ी में बैठकर प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर आप रोड में चलते प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप किचन में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने रूम में बैठ कर प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय मसीह भवन उसी वक्त उसी जगह में आप अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो, उसी समय उसी जगह में प्रभु का धन्यवाद करो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर देगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ताकत है, परमेश्वर के वचन में ज्ञान है, और परमेश्वर यह हुआ सचमुच में आपकी परिस्थिति को, आपके हृदय को, सोच विचारों को बदल देता है, और आपकी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए आज मैं कहता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि उनके जीवन की हर एक परेशानियों को प्रभु आज दूर करना, और ताकि परमेश्वर पिता आज की रात्रि प्रभु जी अच्छा से सो सके पिता, अच्छा से प्रभु जी उनको प्रभु जी मीठी नींद मिल सके पिता, और प्रभु जी जब सुबह उठे प्रभु भोर के तड़के फिर से आपके संगति में रह सके पिता। प्रभु जी आपको धन्यवाद देता हूँ पिता, सारे लोगों प्रभु जी पिता आज प्रभु जी सोने में सहायता और मदद करना, उनके शरीर के सारे थकान प्रभु जी आज दूर होने पाए पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा सहायता और मदद करना, और हर एक जन प्रभु जी शरीर के थकान को आपने दूर किया, उसके लिए धन्यवाद, और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूं प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आज प्रभु जितने प्रिय मसीह भवन तेरे बेटे और बेटी तेरे नजदीक में बैठे हैं पिता, सबकी प्रार्थना को सुनना और उत्तर देना प्रभु जी। हर एक मसीह भवन आज हाथों को उठाकर धन्यवाद करें और प्रभु को जो है महिमा दें। हालेलुया हालेलुया, प्रभु सभी मसीह भवन को एक बार फिर से आशीष दे। आमीन।